हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय हैं उनको आज हम कवर करेंगे। सो दिस इज आवर वीडियो नंबर 2। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी, अबाउट साइकोलॉजी एंड मीनिंग, स्कोप, नेचर, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड बात करते हैं इस वीडियो की, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो स्कूल्स थे साइकोलॉजी के उनको हम बहुत ब्रीफली अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरा जरूर देखना। एंड नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, सो प्लीज डू चेक आउट। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो सबसे पहला मनोविज्ञान का जो स्कूल था, स्कूल ऑफ थॉट था, उसको माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना और पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो वो आपका स्ट्रक्चरलिज्म होगा। अब स्ट्रक्चरलिज्म में आपको याद रखना है विलियम वुंट का नाम, क्योंकि विलियम वुंट ने क्या किया था, इसको इन्होंने ये लेकर के आए थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म के जो संस्थापक हैं उन्हें वो विलियम वुंट को माना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में मनोविज्ञान की पहली लैबोरेटरी इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, तो इन 1879 इन्होंने एस्टेब्लिश की थी लिप्जिंग जर्मनी में। ठीक है, जगह का नाम क्या था उस शहर का, लिप्जिंग जर्मनी में इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को स्थापित किया। तो तभी से साइकोलॉजी जो है वो एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में आ गया। उससे पहले मनोविज्ञान को ना फिलॉसफी का एक ब्रांच माना जाता था, फिलॉसफी के अंतर्गत तो समझा जाता था, लेकिन जैसे ही विलियम वुंट ने एक जो प्रयोगशाला है पहली वो स्थापित की, तो उसके बाद से साइकोलॉजी जो है वो दर्शन शास्त्र से हट करके एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में आ गया। और इनके साथ इनके सहयोगी भी थे टिचनर, जिन्होंने मिल करके संरचनावाद की नींव रखी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, विलियम वुंट को, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने लेबोरेटरी स्थापित की थी फर्स्ट, सबसे पहली। और सबसे पुराना वाद क्या है, संरचनावाद। अब आपको याद रखना है कि इसमें बेसिकली उनका थॉट क्या था, हम मनोविज्ञान क्या कहता है कि संरचनावादी क्या सोचते थे। तो संरचनावादियों के अकॉर्डिंग हमारे जो भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं ना, वो हमारे कॉम्पोनेंट्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि द स्ट्रक्चरलिस्ट यूज्ड टेक्निक्स सच एज इंस्ट्रोस्पेक्शन टू एनालाइज द इनर प्रोसेसेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये क्या, किसकी बात करते हैं कि जो हमारे इनर प्रोसेस, जो हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं ना, उन्हें हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये लेके आए थे, यानी कि आत्मनिरीक्षण करना, खुद की ही आत्म में झांकना, देखना और इंट्रोस्पेक्ट करना। तो स्ट्रक्चरलिज्म में फोकस किया जाता था कि माइंड के जो प्रोसेसेस हैं, हमारे माइंड में जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे माइंड के अंदर, उनको क्या करना, तोड़ के देखना, उनको क्या करना, कॉम्पोनेंट्स में देखना इनका काम था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो इन्होंने क्या फोकस किया था, ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू द मोस्ट बेसिक कॉम्पोनेंट, यानी जो भी हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि आपका परसेप्शन है, आपका रीजनिंग है या आपका थिंकिंग है, उन सबको ब्रेक डाउन करके कॉम्पोनेंट में तोड़ना जो है स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस था। तो ये आपको याद रखना है। मेन इसके जो प्रोपोनेंट थे वो कौन थे, विलियम वुंट थे। इन्होंने लेबोरेटरी स्थापित की, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज किया जाता था और फोकस किया जाता था मेंटल प्रोसेसेस को बेसिक कंपोनेंट में तोड़ करके उसको अध्ययन करना, स्टडी करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा संप्रदाय आता है इसके बाद फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद आता है इसके बाद। अब प्रकार्यवाद के जनक जो है विलियम जेम्स को माना जाता है। इन्होंने कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चरलिज्म था उसको इन्होंने नकारा और उसके रिएक्शन में क्या आया, फंक्शनलिज्म आया। अब ये क्या कहते थे, ध्यान से इसमें पढ़िएगा, यहाँ लिखा है कि प्रकार्यवादी संरचनावादी विचारधारा सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में गठित हुआ, यानी उसके रिएक्शन में आया स्ट्रक्चरलिज्म के, और विलियम जेम्स के काम से यह प्रभावित था। तो विलियम जेम्स जो मेन इसके प्रोपोनेंट माने जाते हैं फंक्शनलिज्म के, एंड इनको हम फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या था
कि यहाँ पे है कि क्रियात्मक मनोविज्ञान का संबंध यानी प्रकार्यवाद का संबंध उन क्रियाओं से है न कि अनुभूतियों, संकल्पनाओं, विश्वासों आदि के सामग्री से। देखो जैसे कि जो स्ट्रक्चरलिज्म थे उन्होंने कहा कि हम माइंड के कंपोनेंट को स्टडी करेंगे, माइंड के कंपोनेंट को बेसिक उसमें तोड़ के पार्ट्स में देखना स्ट्रक्चरलिज्म का काम था। लेकिन जो फंक्शनल साइकोलॉजी था उसका काम था ऑपरेशंस पे फोकस करना, यानी कि व्यक्ति दिमाग से कैसे सोच रहा है, उसकी चेतना क्या है, उस पर इनका फोकस था। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में कहा कि भाई हमारे जो मेंटल प्रोसेस है ना उनको हम बेसिक एलिमेंट में तोड़ करके स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप फंक्शनलिज्म देखेंगे तो इन्होंने कहा कि ये जो है कॉन्शियसनेस पे फोकस करेगा, चेतन के अध्ययन पर, जो एक बच्चा या व्यक्ति अवेयर है उस पर फोकस करेगा। एंड यहाँ पर फंक्शंस को डिस्कवर करने पर फोकस किया गया, पार्ट्स पे फोकस यहाँ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है उसके कार्य पर कि एक व्यक्ति जो मानसिक प्रक्रियाएं करता है सच एज सेंसेशन उसकी क्या है, संवेदना उसका परसेप्शन क्या है, उसकी मेमोरी क्या है, इमेजिनेशन क्या है, रीजनिंग क्या है, इमोशन क्या है, इन चीजों के कार्यों पे फोकस किया गया फंक्शनलिज्म में, ना कि उसके कॉम्पोनेंट पे। कॉम्पोनेंट पे फोकस स्ट्रक्चरलिज्म करते थे। सो आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इन्होंने फंक्शन पे फोकस किया, उन्होंने कॉम्पोनेंट पे ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही चीजें हैं कि जो भी मेंटल प्रोसेस है उनके फंक्शन पे, उनके ऑपरेशंस पे फोकस करना कि हम कार्य कैसे कर रहे हैं, हमारी चेतना होती कैसे है, परसेप्शन कैसे हम बनाते हैं, हम मेंटल प्रोसेस करते कैसे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। थर्ड वन इज बिहेवियरिज्म। अब देखो उसके बाद आया व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं जेबी वॉटसन, या पिक्चर देख सकते हैं, इनके प्रमुख जो प्रवर्तक थे वो व्यवहारवादी थे वॉटसन, जिन्होंने कहा कि मुझे एक दर्जन बच्चे दो मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा। सो बेसिकली व्यवहारवादियों का फोकस क्या था कि ये संरचनावादी को भी नहीं मानते थे, ना ही इन्होंने प्रकार्यवाद को माना। यानी कि बिहेवियरिज्म कब आया, कॉन्ट्रोवर्सी के बाद आया, जब स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों में कॉन्ट्रोवर्सी हुई मेंटल प्रोसेसेस को लेकर के, उसके बाद व्यवहारवाद आया। और इन्होंने जो वॉटसन थे उन्होंने कहा कि हमारे एनवायरमेंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा हमारे बिहेवियर पे पड़ता है। प्राणी या कोई जीव तभी सीखता है जब उसको पर्यावरणीय कारक इन्फ्लुएंस करते हैं। तभी वॉटसन ने कहा कि मुझे एक दर्जन बच्चे तो मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ओके, आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि दे मेंटेन दैट एनवायरमेंटल फोकसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट इन द बिहेवियर एंड शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, इन्होंने कहा कि एक पर्सनालिटी को बनाने के लिए, शेप करने के लिए जो वातावरणीय कारक हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना था। ठीक है, इट फर्दर पॉइंट्स आउट दैट ऑल बिहेवियर इज लर्न्ड इन टर्म्स ऑफ इट इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा कि एक प्राणी, एक जीव जो भी सीखता है, जो भी वो परसीव करता है, वो अपने एनवायरनमेंट से करता है। ठीक है, तो इनका फोकस किस पे था, एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज्यादा था। उसके बाद इन्होंने सजेस्ट किया कि हम जो हमारे बिहेवियर है वो हमारी आंतरिक शक्ति के बजाय ना एनवायरमेंटल कॉजेस से ज्यादा हम उसको जांच सकते हैं, या हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक व्यक्ति के व्यवहार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन्होंने नकारा मेंटल प्रोसेसेस को, इनका फोकस था कि एनवायरमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल दोज इंटरनल फैक्टर्स और मेंटल प्रोसेसेस। तो ये मेंटल प्रोसेसेस पे ध्यान ना दे करके ऑब्जर्वल बिहेवियर पे ध्यान देते थे, एनवायरमेंट पे ध्यान देते थे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे इन्होंने बहुत फोकस किया। अगर आप पावलोव की थियोरी पढ़ेंगे, अगर आप स्किनर पढ़ेंगे, अगर आपने थॉर्नडाइक पढ़ा होगा, तो इन सभी का मानना था कि व्यवहार में जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, और जो रिस्पॉन्स हम उसके प्रति करते हैं उसका बहुत प्रभाव होता है। तो ये था बिहेवियरिज्म। मेन प्रोपोनेंट कौन थे, जेबी वॉटसन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में इसका योगदान देख लेते हैं। कई बार पेपर में आता है, तो सबसे बड़ा योगदान इसका लर्निंग में था। आप देखोगे लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की गई और उसके अकॉर्डिंग एक आउटलाइन मिला यहाँ पर टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि हम कैसे बिहेवियरिज्म की जो थ्योरीज है उनको अपनी शिक्षा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसका मेजरली कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें था? एजुकेशन में, एंड जो लर्निंग है, जो मोटिवेशन है उसमें था। क्योंकि मोटिवेशन में आप देखेंगे रीइंफोर्समेंट की बात बहुत ज्यादा की गई बिहेवियरिज्म में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे मेथडोलॉजी दी इन्होंने टीचिंग में। इनका योगदान था कि इन्होंने प्रोग्राम्ड लर्निंग दिया, जो कि किसका था? स्किनर ने दिया था। स्किनर का जो थ्योरी थी उस पर जो है प्रोग्राम लर्निंग एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट जो है वो बिहेवियरिज्म से आया, जो हम शिक्षा में यूज करते हैं एज अ टीचिंग लर्निंग मेथड, ठीक है। उसके बाद इसका जो ग्रेट इंपॉर्टेंस था वो एनवायरमेंट पे था, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे था, ठीक है। तो ये इसका शिक्षा में कुछ योगदान था व्यवहारवाद का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है गेस्टाल्टवाद। अब देखो व्यवहारवादियों के बाद आए गेस्टाल्टवाद, और गेस्टाल्टवाद ने पूरी तरह से नकारा व्यवहारवादियों को। गेस्टाल्टवाद में मेन तीन लोग आते हैं, कोफ्का, कोहलर और वर्दीमर, जिसमें से जो वर्दीमर थे उन्हें माना जाता है गेस्टाल्टवाद के जनक। तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दाइमर या वर्दीमर इनको कहा जाता है, और इन्होंने व्यवहारवाद का पूर्णतः खंडन किया। इन्होंने बोला कि हम पूरी तरह से केवल एक बच्चे को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से नहीं सिखा सकते। एक बच्चा मैकेनिकली नहीं सीखता है, वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग भी लगाता है, वो किसी सिचुएशन को परसीव करता है, एज अ होल देखता है। तो व्यवहारवादियों का मेन मानना था ना कि हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी समस्या को एज अ होल पहले देखते हैं। तो यहाँ पर इसके जो मेन प्रवर्तक हैं वो है वर्दीमर, और गेस्टाल्ट जो वर्ड है उसमें ही पूरा अर्थ छुपा हुआ है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है कोई चीज पूर्ण होना, संपूर्ण होना, कोई पैटर्न होना या कॉन्फिग्यूशन होना, विन्यास होना। इन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं, हम ऐसे ट्रायल एरर नहीं करते, हम एज अ होल किसी परिस्थिति को देखते हैं। हम क्या करते हैं, सडनली इन्होंने एक वर्ड यूज किया जिसको यूरेका कहा जाता है, यानी आहा मूवमेंट की इन्होंने बात की, कि आप अचानक से ही किसी समस्या का समाधान सूझ से करते हो। तो इन्होंने इनसाइट पे फोकस किया, इन्होंने सूझ पे फोकस किया, इन्होंने सडन सॉल्यूशन पे फोकस किया। इनका मानना था कि हमारा मेंटल जो हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है, जो हमारा माइंड है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, केवल वातावरण का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनका मेन था कहना, और इन्होंने यही कहा कि भाई हम द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कंटेन दैट बिहेवियर कैन नॉट अंडरस्टूड वेल बाय एनालिसिस। इन्होंने सिंपली बोला कि भाई व्यवहार को केवल आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हमारे कुछ मेंटल प्रोसेसेस भी शामिल होते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति सडन सॉल्यूशन करता है और सीखता है। तो इन्होंने व्यवहारवाद का पूर्णतः विरोध किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि व्यवहार या प्रतिक्रिया पूरे पर निर्भर है। पूरा का मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि जो भी हम व्यवहार करते हैं किसी भी चीज के प्रति, वो हमारे किस पे होल पे निर्भर होता है। यानी आपके सामने अगर कोई समस्या है तो आप उसको एज अ होल देखेंगे एंड आप ट्राई करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आप कर सके। तो इनका फोकस था मेनली होल पे, आहा मोमेंट पे, परसेप्शन पे इनका फोकस था, कि हम संपूर्ण परिस्थिति को एज अ होल पहले देखते हैं एंड देन हम समस्या का समाधान अपना मेंटल प्रोसेस लगा करके करते हैं, ठीक है। तो व्यवहारवादियों से ये काफी हद तक सहमत नहीं थे। और तीनों का नाम याद रखना है, वर्दीमर ये जो है संस्थापक है गेस्टाल्टवाद के, कोफ्का, कोहलर याद रखना इनसाइट लर्निंग के जनक जो है वो कोहलर है, जिन्होंने चिंपैंजी सुल्तान पे अपने एक्सपेरिमेंट किया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन व्यवहारवाद का एजुकेशन में क्या रहा। तो पहला है कि दे मस्ट टॉट वर्ड्स एंड इवन सेंटेंसेस फर्स्ट। इन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम होल पे फोकस कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि पहले हमें होल चीज सिखानी चाहिए। अगर हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाना चाहते हैं तो पहले हमें वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद हमें लास्ट में उसके कॉम्पोनेंट्स, उसके पार्ट्स पे फोकस करना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे होल टू कहाँ जाएंगे, होल टू पार्ट्स के अंदर जाएंगे। तो इसका मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन था शिक्षा में वो यही था कि होल टू पार्ट सिखाना। दूसरा,
या इन्होंने बोला कि हम होल टू पार्ट सीखते हैं, ये अभी मैंने डिस्कस किया, होल सिचुएशन हेल्प करता है बच्चों को जल्दी सीखने में। अगर आप किसी परिस्थिति को एज अ होल देखोगे, समस्या को एज अ होल अगर आप देखेंगे, या आप अगर आप मान लीजिए मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, कोई टॉपिक, कोई प्लांट पढ़ाना है, तो मैं पहले एज अ होल पूरा प्लांट लेकर के जाऊंगी क्लास में। इन्होंने कहा कि बच्चा होल तरीके से जल्दी सीखेगा बजाय कि पार्ट्स के, तो इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यही था। और इन्होंने मोलर अप्रोच बोला, मोलर मतलब आप एज अ होल कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा अगला जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज साइको एनालिसिस गिवन बाय सिगमंड फ्रायड। तो फ्रायड का नाम याद रखना है, इनके जनक जो है फ्रायड है, और ये इंपॉर्टेंस देता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, ठीक है। तो जितनी भी स्टडी यहाँ पे की गई थी सिगमंड फ्रायड के द्वारा, वो ज्यादातर हमारे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर थी, यानी जो अचेतन हमारा मन होता है उस पर इन्होंने फोकस किया, उसको इन्होंने स्टडी की और बहुत सारी इन्होंने थियोरीज दी थी। इसमें देखो फ्रायड का मानना था कि हमारा जो मन है वो तीन चीजों से मिलके बनता है, तीन हमारे अंदर कॉम्पोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इन तीनों का फोकस जो फ्रायड थे उन्होंने अपनी साइको एनालिसिस थ्योरी में किया। इन्होंने कहा कि जो इड है वो हमारे ऐसे अर्ज होते हैं जो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन जो चाहते हैं, जो हमारे प्राइमरी अर्जेस होते हैं, एंड जो बिल्कुल कहते हैं ना लालच से भरे हुए, या जो हमारे अर्ज हैं, है ना, जो हम सेटिस्फाई, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, संतुष्टि जिनकी चाहते हैं, वो इड के अंदर सारी चीजें हमारी आती है। ईगो क्या है, जो ऐसा पर्सनालिटी का कंपोनेंट जो कि रियलिटी पे काम करता है, यानी उस सिचुएशन में आप अगर किसी परिस्थिति में है तो उस परिस्थिति में उस जो रियल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, व्यवहार करना, प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यवहार करना ईगो का काम है। और ईगो को रेफरी भी कहा जाता है, ये जो ईगो है ये रेफरी या पुलिस मैन का काम करता है, किसका काम करता है, पुलिस मैन का काम करता है। और सुपर ईगो क्या है, जो कि हमारे मॉरल पार्ट पे बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस करता है, यानी जो भी हमारे मॉरल्स हैं, जो हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स हमें समाज में सिखाते हैं, वो सब हमारा सुपर ईगो का के अंदर आता है। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर किसी व्यक्ति का इड ज्यादा है तो भी उसकी पर्सनालिटी बैलेंस नहीं है, अगर किसी व्यक्ति का सुपर ईगो ज्यादा है तो भी वो कंट्रोल्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है, वो बहुत ठीक से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। और अगर किसी व्यक्ति का ईगो सबसे ज्यादा है, यानी अगर वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो पर्सन जो है हेल्दी माना जाएगा। तो ये जो जो मन है और इसके ऊपर जो इन्होंने स्टडी की, ये सब आपका साइको एनालिसिस का पार्ट है। इन्होंने बात की लिबिडो की, लाइफ इंस्टिंक्ट, दैट इंस्टिंक्ट की बात की इन्होंने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना इनका कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसे मानवतावादी मनोविज्ञान भी कहा जाता है। मानवतावादी जो है इनके, ये बेसिकली फोकस करते हैं व्यवहारवाद को हटा करके, इनका फोकस था कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा होती है, कुछ व्यक्ति का कुछ आत्म प्राप्ति की वो प्राप्ति चाहता है, फ्रीडम चाहता है, खुद में वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है, तो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। यहाँ पे ना ही व्यवहार की बात की जा रही है, ना ही माइंड की बात की जा रही है, यहाँ पे मेजर फोकस किस पे किया जा रहा है कि भाई हम क्या करते हैं ना, एक जो पर्सन है वो फ्री विल चाहता है, वो अपनी जिंदगी में अच्छा करना चाहता है, खुद की पर्सनल ग्रोथ चाहता है और अपना सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ढूंढना चाहता है। तो ये फोकस करता है मानव के जो जीवन से संबंधित जो चीजें, जो उसकी उम्मीदें हैं, जो उसकी एस्पिरेशन है, उस पे फोकस करता है मानवतावादी मनोविज्ञान। इसमें मेन लोग कौन आते हैं, मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स, दो लोग ह्यूमैनिज्म के इंपॉर्टेंट है, कार्ल रोजर्स एंड मैस्लो। आपने जरूर मैस्लो की थ्योरी भी पढ़ी होगी, ह्यूमन नीड थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि कैसे कैसे एक व्यक्ति हायरार्की से जाता है और उसकी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड कैसे वो पूरी करता है। तो ये जो है, ये लोग मानते हैं व्यक्ति की पर्सनल विल, व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड व्यक्ति कैसे आत्म सिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। एम्फसाइज करता है कि पर्सनल व्यक्ति की ग्रोथ कितनी हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी जो है वो इससे संबंधित यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी।
कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपको याद रखना है कि किसकी बात कर रहा है, कॉग्निशन से संबंधित। तो इसमें सारी स्टडीज किससे रिलेटेड आ जाती है, हमारे संज्ञान से रिलेटेड आ जाती है, सच एज ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपकी भाषा। भाषा का अध्ययन जो भी हम करते हैं वो आपका कॉग्निटिव के अंदर आता है। इंटेलिजेंस बुद्धि का अध्ययन, परसेप्शन किस तरह से आप परसीव कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, और अटेंशन आपका ध्यान कितना है, मेमोरी आपकी क्या है, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक व्यक्ति कैसे कर रहा है। तो ये जो आप जो भी ये कॉम्पोनेंट देख रहे हैं ये सब हमारे संज्ञान का पार्ट है, जो हमारे मेंटल प्रोसेस का पार्ट है। तो यहाँ पर संज्ञानवादी जितने भी हैं वो मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं कि एक पर्सन कैसे सोचता है, कैसे सीखता है वातावरण में, और कैसे वो कोई भी बात को याद करता है और उसको प्रॉब्लम को किसी भी सॉल्व करता है। तो बेसिकली आपको पता है कि कॉग्निटिव में आप देखेंगे ब्रूनर आते हैं, पियाजे का सबसे बड़ा योगदान है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। मोस्ट इन्फ्लुएंस थ्योरी जो है वो है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे की। तो ये आपको याद रखना है, बस आपको इतना इसमें याद रखना है। बेसिकली इस पूरी की पूरी थ्योरी में जो मेन हमारा था वो आपका ये आगे वाले जो भी थे, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्टवाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आइए एक बार से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो कि मेंटल प्रोसेस की स्टडी करता है कि व्यक्ति का दिमाग कितना है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक फोकस करता है इंडिविजुअल फ्री विल, उसकी इच्छा, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है। साइको एनालिसिस फोकस करता है हमारे अचेतन मन पे कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, व्यक्ति कैसे कार्य करता है। बिहेवियरिज्म फोकस करता है हमारे व्यवहार पे, जो एनवायरमेंट पे फोकस है। गेस्टाल्ट फोकस करता है हमारे माइंड एंड बिहेवियर बोथ पे कि एक व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कैसे एज अ होल परसेप्शन से कर रहा है, ठीक है। सो आई होप गाइस कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अब हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो मिलते फिर अगले सेशन में, एंड कोई भी सजेशन, कोई फीडबैक आपको देना हो तो आप जरूर मुझे दीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोज, ओके। तब तक मिलते हैं फिर अगले सेशन में, थैंक यू।